जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब जब भी कोई रॉड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट करती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो ईएमएफ पैदा होता है। तो जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो ईएमएफ पैदा होगा। अब वो ईएमएफ कितना होता है ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मोशनल ईएमएफ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह की, क्रॉस टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह की क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, और एक कोई रॉड है जिसकी लंबाई L है, और ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से चल रही है। v वेलोसिटी से ये रॉड जा रही है, तो ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को काट रही होगी। भाई जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें अंदर की तरफ है, क्रॉस्ड फील्ड लाइनें हैं, तो ये जब जा रही होगी तो ये लाइनें अंदर की तरफ, इन लाइनों को एक जैसे धागे जैसा मान लो कि बहुत सारे धागे ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जब ये रॉड जा रही होगी तो इन धागों को कट कर रही होगी। तो जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करती है, काटती है, तो रॉड के अंदर ईएमएफ पैदा होता है। जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगी तो रॉड के अंदर ईएमएफ पैदा होता है। तो पहले तो देखें कि ये ईएमएफ क्यों होता है, कारण क्या है इस ईएमएफ का, ये समझें। तो देखिए ये ईएमएफ क्यों होता है पहले ये समझें। जैसे ये रॉड आगे की तरफ जा रही है तो इस रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिंग रॉड है ये, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स किधर लग रहा होगा जरा देखें। किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी ऊपर आएगा, तो वी क्रॉस बी ऊपर आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उनपे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो अब इस पे नीचे की तरफ यहां इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा हो जाएगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि V इधर है B इधर है, तो V क्रॉस B किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी को तो बैटरी कहते हैं। बैटरी में क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहां देखो अपने आप एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, तो अब ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और उस बैटरी का ईएमएफ अभी हम निकालने जा रहे हैं। जब हम इसी रॉड का सर्किट इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हम इसी रॉड को कुछ ऐसे दिखाते हैं। इस रॉड का अगर सर्किट इक्विवेलेंट, जब सर्किट में इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसका सर्किट इक्विवेलेंट कुछ इस टाइप से आएगा। इस बैटरी का ईएमएफ ऐसा दिखाया जाएगा और इस रॉड का रेजिस्टेंस इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर से समझिए, ये रॉड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को काट रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट कर रही है तो ऊपर की तरफ प्लस आ जाएगा, नीचे की तरफ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को, ये जो रॉड है वो कट करेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। अगर मैं इसको तार से जोड़ दूंगा तो भाई ये प्लस से माइनस तो करंट फ्लो करने लगेगा, तो ये एक बैटरी की तरह काम कर जाएगा। तो जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड फील्ड लाइनों को, अच्छा काटना जरूरी है, कट करना जरूरी है, ये अगर ऐसे चलेगी तभी लाइनें कट होंगी। अगर ऐसे अंदर के, जो किसान फसल काटता है तो ऐसे काटता है ना, ऐसे थोड़ी काटता है, ठीक है, ऐसे काटना जरूरी है। तो जब भी कभी कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगी, कट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ईएमएफ पैदा होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये भी मैंने बताया था, फैराडे के लॉ ने कहा था कि ये जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। जिस रेट से फ्लक्स कटता है उस रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। तो फ्लक्स कटने का रेट मैं यहां से निकालता हूं। फ्लक्स अगर मैं यहां से काटा जाए तो मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, चलो स्मॉल ई से दिखाते हैं हम लोग आमतौर पर। तो मान लेते हैं छोटा सा डीटी टाइम ले लेते हैं, एक डीटी टाइम लिया मैंने, तो वो जो डीटी टाइम मैंने लिया उस डीटी टाइम में ये कितना आगे बढ़ जाएगा, v वेलोसिटी से जा रहा है तो v dt ये आगे बढ़ जाएगा उस dt टाइम में, ठीक है, v dt आगे बढ़ जाएगा। और जो ये एरिया स्वीप आउट करेगा, तो ये जैसे लंबाई तो l हो गई, चौड़ाई v dt हो गई, तो जो ये dt टाइम में एरिया स्वीप आउट करेगा उस एरिया की जो वैल्यू आएगी वह जाएगी l इंटू वी dt। तो जो एरिया स्वीप आउट करेगा वो l इंटू वी dt हो जाएगा। तो जो फ्लक्स काटेगा ये हो जाएगा b इंटू da या B इंटू एल इंटू वी डी टी, डी फाइव हो गया, डी टी इधर लाता हूं मैं, तो डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा,
BLV के बराबर हो जाएगा। तो इंड्यूस DMF का जो हमारे पास फार्मूला आया वो ये आया, E = BLV। फिर से सुने, जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को काटती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को जब भी कट करती है तो EMF पैदा होता है। ये जो EMF पैदा होता है, ये जो भी इंड्यूस EMF आता है, ये BLV के बराबर आता है। कैसे आता है, फिर से देखें, ये रॉड इधर जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इसी को बैटरी बोल दिया हमने। उस बैटरी का जो EMF आएगा BLV के बराबर आएगा। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो फार्मूला BLV जब आता है ना, तो इसमें BLV तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में, देखना, वेलोसिटी इधर है, रॉड की लंबाई इधर है, फील्ड अंदर की तरफ, तीनों परपेंडिकुलर होंगे तभी ये फार्मूला बनेगा। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे, कोई भी दो पैरेलल हो गए ना, तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस EMF आएगा जीरो आ जाएगा। रॉड अगर लाइनों को कट नहीं करेगी, पैरेलल हो गई तो काटेगी कैसे, वो तो परपेंडिकुलर होगी लाइनों के तभी काटेगी ना। तो अगर पैरेलल हो गई तो रॉड लाइनों को कट करेगी नहीं, कट नहीं करेगी तो फिर इंड्यूस EMF नहीं आएगा। जो ये फार्मूला आया है BLV, ये तभी आया है जब ये तीनों परपेंडिकुलर है। वैसे अगर एक जनरल बेस में हम लोग फार्मूला बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि तीनों का भी वेक्टर फॉर्म में दिए रहे, वेक्टर फॉर्म में BLV, ये तीनों अगर वेक्टर फॉर्म में दिए रहे, तब इंड्यूस EMF का जो फार्मूला आता है वो आता है मॉड ऑफ B × L·V। ये फॉर्मूला आता है इंड्यूस EMF का। अगर मान लिया जाए ऐसे कि ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं, इनके बीच अलग अलग एंगल है, तो फिर इंड्यूस EMF का जो जनरल फार्मूला हम लोग बनाएंगे, वैसे काम तो इसी से चल जाता है, लेकिन जनरल फार्मूला ये बन जाता है B × L·V। अच्छा, वैसे कुछ लोगों ने अभी वेक्टर ट्रिपल सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूं कि अगर जैसे ये, इसको हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट स्केलर आता है। तो इसमें होता क्या है कि इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें से अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो ये E0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि तीन में से कोई दो BLV तीन हो गए, इन तीन में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए तो फिर जो इंड्यूस EMF होता है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, इसको नोट करेंगे आप, इफ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ एनी टू ऑफ थ्री ब्रैकेट में B, L, V आर पैरेलल, then if any two of the three are parallel, then induced EMF is zero. Any two of the three are parallel, then induced EMF is a zero. अगर तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो जो इंड्यूस EMF आता है वो जीरो के बराबर आता है। तीन में से कोई भी दो, ये बी और बी पैरेलल हो जाएं, बी या एल पैरेलल हो जाएं, एल या बी पैरेलल हो जाएं, तो तीन में से, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मतलब जान लें, इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, दो का क्रॉस तीसरे का डॉट। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी तीन में से कोई भी दो जीरो हो गए, दो पैरेलल हो गए, तो जो इंड्यूस्ड आता है वो जीरो के बराबर आता है। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सी रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, तो उसका इंड्यूस्ड EMF BLV के बराबर हो गया। अब लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग रॉड की बात ही करें, कई बार कुछ ऐसे लूप्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, आधे अधूरे लूप्स होते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलते हैं, तो उसके अंदर कितना EMF पैदा होगा, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, हेडिंग डालने जा रहा हूं, मोशनल ईएमएफ ऑफ incomplete loops, थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। बारीकी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इसमें थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक इनकम्प्लीट लूप है, मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह की, इस तरह की मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर कोई एक इनकम्प्लीट, आधा अधूरा, पूरा लूप नहीं है, कोई एक इनकम्प्लीट जो है लूप यहां पर है, मान लीजिए ऐसे इस टाइप का कोई एक इनकम्प्लीट लूप, इस टाइप का एक लूप जो पूरा नहीं है। ठीक है,
और ये पूरा जो लूप तो पूरा नहीं है, लेकिन हम इस लूप को वी वेलोसिटी से चला रहे हैं। ये जो मैंने आपको लूप बनाया हुआ है, ये लूप पूरा तो नहीं है, हम इस लूप को वी वेलोसिटी से चला रहे हैं। अब यहां से चालू हुआ, यहां खत्म हो गया, हम इस लूप को ऐसा करते हैं, पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, और एक रॉड से इसको, एक ऐसी रॉड है, ठीक है, इस रॉड से इस लूप को पूरा कर देते हैं। अब ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वी वेलोसिटी से जा रहा है। ये जो मैंने अलग कलर से बना रखा है ना, हल्का सा ये येलोइश कलर जो है, इससे जो मैंने बना रखा है, ये लूप पूरा नहीं था, हमने इस लूप को पूरा कर दिया, एक रॉड बना दी, और अब इस पूरे लूप को कंप्लीट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम वी वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम वी वेलोसिटी से चल रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हो रहा है, ना इसका एरिया बदल रहा है, ना इसको हम घुमा रहे हैं, तो ना बी बदला, ना ए बदला, ना थीटा बदला, तो इस क्लोज लूप के अंदर जो ईएमएफ आएगा वो जीरो आएगा। तो अगर इस क्लोज लूप में ईएमएफ जीरो आएगा, और अकेले इस रॉड के अंदर कितना आ रहा है, अकेले इस रॉड में, रॉड का तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम जानते ही है, तो अकेले इस रॉड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो बीएलवी के बराबर आ रहा है। तो अगर इस रॉड में बीएलवी है और पूरे का जीरो है, तो इसका मतलब इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी के बराबर ही आएगा, क्योंकि पूरे का जीरो आना है, ना तो बी बदल, पूरा ये लूप जब जा रहा है, ना तो बी बदला, ना ए बदला, ना थीटा बदला। तो अगर पूरे का इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, और अकेले इस रॉड का बीएलवी आ रहा है, तो ये जो अलग कलर से मैंने लूप बना रखा है, इसका भी बीएलवी आएगा, और दोनों का सेंस अपोजिट होगा, इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही आएगा बीएलवी के बराबर, कुल मिला के जीरो आना चाहिए ना। यहां से यहां तक गए तो बीएलवी हो गया, फिर यहां से यहां तक गए तो बीएलवी घट गया, तो कुल मिला के जीरो हो गया। तो अब क्या तरकीब आपको क्या समझनी है, जो तरकीब समझनी है वो ये है कि अगर समझा बात को, किसी ओपन लूप का आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो आप क्या करो कि उस ओपन लूप के दोनों सिरों को एक इमेजिनरी रॉड से कनेक्ट कर दो, उस रॉड में जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वही उस ओपन लूप का ईएमएफ होगा। फिर से सुने, अगर आपको किसी ओपन लूप का, खुले हुए लूप का ईएमएफ चाहिए, तो लूप का शेप साइज मत देखो, उससे मत टेंशन लो, आप तो लूप के जो ओपन एंड्स हैं उनको किसी वायर से कनेक्ट कर दो, और वायर से कनेक्ट करने के बाद जो भी उस रॉड के अंदर ईएमएफ आएगा वही उस ओपन लूप का ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस बात को मैं नोट कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ओपन लूप, to find the EMF of open loop, we connect the two ends by an imaginary rod. We connect the two ends by an imaginary rod. The EMF induced, in the rod is equal to the EMF induced in the rod is equal to the EMF of loop. अगर आपको किसी भी ओपन लूप का ईएमएफ निकालना है और वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो आप तो उसके दोनों सिरों को एक रॉड से कनेक्ट कर दो, रॉड के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वही उस ओपन लूप का ईएमएफ हो जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू बीएलवी के बराबर होती है अगर बी और एल और वी तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस पे कुछ सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आप इस तरह के सवालों पे कॉन्फिडेंस पा जाएं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस आर है, सेमी सर्कल का रेडियस आर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, हर जगह बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैं हर जगह बना दे रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि एक ही जगह है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और हम इसको वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, इस तरह से वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, और इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड
इन सेमी सर्कल एबीसी, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेमी सर्कल एबीसी। इस सेमी सर्कल एबीसी में कितना ईएमएफ पैदा होगा? तो इसका नियम अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि जो दोनों, आपको किसी भी शेप साइज का हो उससे मतलब नहीं, आप तो उसके दोनों एंड्स को एक वायर से जोड़ दो। जैसे ये है तो इसके दोनों सिरों को एक तार से जोड़ दो, इसके दोनों सिरों को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब तार से जोड़ने के बाद, ठीक है, जब हमने इसको एक तार से जोड़ा तो मान लिया ये वेलोसिटी वी के बराबर है और ये जो लंबाई है ये टू आर के बराबर है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी वी के बराबर है, लंबाई टू आर के बराबर है। तो अब आप देखेंगे तो अगर ये वी वेलोसिटी से चल रहा है और टू आर इसकी लंबाई है तो लंबाई और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना। ये इसके बजाय हमने एक रॉड ले ली, तो ये रॉड जो है जिधर उसकी लेंथ है उधर ही उसकी वेलोसिटी है, तो अगर तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आ जाता है। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, आपको बताया था ना तीन होते हैं बी एल बी, तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और सवाल, ऐसा ही सेम यही है, सब कुछ यही है, वही है सेमी सर्कल एबीसी, सेमी सर्कल एबीसी है, इसके अंदर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ये इसका रेडियस आर है और ये पूरा का पूरा वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में अंदर की तरफ थी, क्रॉस्ड फील्ड है, फील्ड में बी नॉट बोल दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, अंदर की तरफ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे फील्ड है, हर जगह फील्ड है, यहां 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 सब जगह फील्ड है और ये बी नॉट के बराबर है। तो आपको बताना है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेमी सर्कल एबीसी, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेमी सर्कल एबीसी। सेमी सर्कल एबीसी जो है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएं, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेमी सर्कल एबीसी। अब आपको क्या करना है, आपको ये सब नहीं सोचना कि सेमी सर्कल है कि क्वार्टर सर्कल है कि फलाना है, आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि दोनों सिरों को आप एक रॉड से ज्वाइन करते हैं। इसके जो दो सिरे थे ए और सी, इसको मैंने एक रॉड से ज्वाइन कर दिया। ये रॉड की लंबाई अगर मैं एल मानूं तो एल की वैल्यू टू आर आ गई। अब देखें मैग्नेटिक वेलोसिटी इधर हो जाएगी इस रॉड की और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, लंबाई इधर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो हम आसानी से फॉर्मूला बी एल बी लगा देंगे, बी एल बी, एल की वैल्यू आ जाएगी टू आर इंटू बी, तो टू बी आर बी के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप एबीसी जो टुकड़ा है इस एबीसी टुकड़े के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे तो टू बी आर बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, फाइंड EMF induced in quarter circle, find EMF induced in quarter circle AB, find EMF induced in quarter circle AB, एक चौथाई circle है AB जो है ये quarter circle है एक चौथाई, इसके अंदर कितना EMF पैदा होगा? तो अब अगर हमें इसके अंदर ईएमएफ निकालना है तो दो मिनट का समय लेके आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर आरएस का सॉल्यूशन देखिएगा। तो अगर आपको सेमी सर्कल एबी में अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ एबी है उसकी चिंता नहीं करनी, हम तो क्या करेंगे इस दोनों सिरों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों सिरों को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो जो रॉड आई अगर मैं उसकी लंबाई एल बोलूं तो एल कितना हो जाएगा बताओ, एल हो जाएगा रूट टू आर, एल आ गया। अगर इन दोनों सिरों को मैं मिला दूंगा तो उसकी लंबाई रूट टू आर हो जाएगी और ये चीज जा रही वी वेलोसिटी से, ये एंगल होगा 45 डिग्री, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस बार ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बी एल वी लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है लेकिन वेलोसिटी 45 बना रही, तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे वी साइन 45 यानी वी बाई रूट टू, और ये वाला भी कंपोनेंट इधर ले लेंगे v बाई रूट टू,
जो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा लेंथ के लॉन्ग, ये यूजलेस होता है, इसके कारण ईएमएफ नहीं आता है। ईएमएफ हमेशा परपेंडिकुलर के कारण आता है, तो जो वेलोसिटी थी उसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो तो यूजलेस है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। यही वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है दोनों के, वही वाला ईएमएफ पैदा करता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी बाई रूट टू के बराबर है, तो अगर मैं इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूंगा तो ये हो जाएगा बी इंटू एल की जगह हो जाएगा रूट टू आर, और वी की जगह हो जाएगा वी बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा बी आर वी के बराबर, ये बी आर वी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी टुकड़े में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी आर वी के बराबर आएगा। कई बार ये भी पूछते हैं कि जो बैटरी बनेगी उसका प्लस किधर आएगा माइनस किधर आएगा, तो आप देखें वी क्रॉस बी, वेलोसिटी इधर है बी अंदर, तो वी क्रॉस बी इधर आ रहा है यानी प्लस इधर आ जाएगा। तो जो भी आपकी बैटरी बननी थी उसका प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा। उसी तरह से इसके अंदर देखें, इस वाले ए बी टुकड़े में देखें बी क्रॉस बी, वेलोसिटी इधर है बी अंदर की तरफ, इधर ही आएगा प्लस, तो इसका भी प्लस इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी आर वी। इसी तरह से अगर आप इतने टुकड़े का बीसी का निकालेंगे ना, तो बीसी का भी इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और वो भी बी आर वी के बराबर आ जाएगा। बीसी जो टुकड़ा है ये बी से सी तक का टुकड़ा, ये भी क्योंकि कुल का टू बी आर बी आना था, तो बी आर बी इसका आएगा, बी आर बी इसका आएगा, तभी टोटल बी आर बी के बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर पैदा हो पाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल इमोशनली मैं पे दूंगा मैं आपको। एक ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट आई है, और ये करंट कैरिंग वायर जो है इससे कुछ दूरी पर यानी डी दूरी पर एक रॉड है ए बी जो कि वी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। इस वायर में इनफाइनाइट वायर है और ये रॉड वी वेलोसिटी से जा रही है, तो क्वेश्चन इसके अंदर यही है फाइंड ईएमएफ इन रॉड ए बी, ए बी एट द मोमेंट शोन। फाइंड द ईएमएफ इन रॉड ए बी एट द मोमेंट शोन, जो मोमेंट दिखा रखा है इस मोमेंट में रॉड ए बी में कितना ईएमएफ होगा। तो भाई देखें वेलोसिटी यहां पर इधर है, रॉड की लंबाई इधर है, और इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए, तीनों परपेंडिकुलर हो गए, तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू बी एल वी। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले वायर के कारण है, किसी भी इनफाइनाइट वायर से डू दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी इंटू एल इंटू वी, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई एल वी, म्यू नॉट आई एल वी अपॉन टू पाई डी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। और भी हम लोग सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन करें, एक इसी टाइप का सवाल है ये भी, ये एक इन्फिनिट रॉड है, ये डिस्टेंस ए बी जो रॉड है इसकी लंबाई एल है, और ये इस इन्फिनिट वायर में करंट आई जा रहा है, और ये दूरी मैंने डी मान ली, ये दूरी मैंने डी के बराबर मान ली, और ये जो ए बी रॉड है इस रॉड को हम वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, इस रॉड ए बी को हम वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। फाइंड, क्वेश्चन यही बन रहा है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए बी, एबी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। 3 मिनट का समय लें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर उसके बाद आरएसआर का सॉल्यूशन देखें। हिंट मैं दे दे रहा हूं आपको, हिंट ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, मैं तो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं तो 3 मिनट वेट करूंगा नहीं भाई, ठीक है, 3 मिनट वेस्ट हो जाएगा। आपके पास पॉज करने की फैसिलिटी, आप पॉज कर दीजिएगा। तो खैर, अब ये रॉड जो है वो इसको हम वी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वो बी एल वी के बराबर होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि बी एल वी के बराबर होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार बदल रही है,
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार बदल रही है तो बी तो क्या लिखेंगे, बी तो कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि बी वेरिएबल है। बी वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से टुकड़े का ईएमएफ निकालना पड़ेगा और उस छोटे से टुकड़े का ईएमएफ निकाल करके हमें पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे ये जो जरा सा टुकड़ा है इसका ईएमएफ निकालने जा रहा हूं मैं, देखिएगा मैं एक छोटा सा यहां पर टुकड़ा जो ले रहा हूं ना, इस टुकड़े की लंबाई जो है वो dx है और इसकी वायर से दूरी x के बराबर है। तो इस जरा से टुकड़े के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा, dx लंबाई का टुकड़ा है, जरे से टुकड़े के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वो भी जरा सा ही होगा, और अगर वो जरा सा होगा तो उसके अंदर जो इंड्यूस आएगा वो आ जाएगा b इंटू dx इंटू b, बी एल बी जो भी इंड्यूस आएगा ईएमएफ आएगा वो b इंटू dx इंटू b के बराबर हो जाएगा, और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नोट आई, b की वैल्यू आएगी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स, बी जो आएगा वायर से x दूरी पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू वी इंटू डी एक्स, ये DE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये जाएगा 0 से E और ये जाएगा x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, देखें x ये जो रॉड AB है इसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है एंडिंग बी से हो रही है, तो जहां स्टार्टिंग है वहां एक्स की वैल्यू डी है और जहां एंडिंग है वहां एक्स की वैल्यू डी प्लस एल है, तो ये डी से डी प्लस एल चला जाएगा। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डी ई हो गया, बाहर क्या क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई dx अपॉन x जो है वो ln x हो जाएगा और इसका लिमिट जाएगा d से l प्लस d, तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई वी अपॉन 2 पाई ln l प्लस d अपॉन d, ये हो जाएगा। तो इंड्यूस d में पाएगा म्यू नोट आई वी अपॉन 2 पाई ln l प्लस d अपॉन डी, एक बार हम एल एक्स की जगह एल प्लस डी करेंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर एल एन डी करेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इंड्यूस डीएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो इंड्यूस डीएमएफ है इस तरह से निकाला जा सकता है। और भी इसके अंदर छोटे छोटे मोटे सवाल बनते हैं जो मैं यहीं पर आपको कराना चाहता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लें, मैं ये डिलीट मार देता हूं, मतलब आपके लिए जो डिलीट है मेरे लिए वो बोर्ड पे रेस करना है। देखें अब अगर हमें इसका इंड्यूस डीएमएफ निकालना है, ठीक है, तो इसका इंड्यूस डीएमएफ निकालने के लिए मतलब कैसे हम लोग सवालों का अप्रोच करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये सवाल है इस तरह का है, इसमें करंट आई है और हम इसको भी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, ऐसे वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं और डेटा वही सारा दिया है, मान लीजिए ये भी एल है ये डी है ये भी एल है स्क्वायर है, वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। तो मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, मैं बस आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसमें इंड्यूस डीएमएफ अगर वी वेलोसिटी से ले जाएंगे तो इंड्यूस डीएमएफ इसमें जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा उसका कारण थोड़ा सोचिए, आप पहले आप सोचिए फिर मैं बताता हूं। कारण क्या है कि अगर आप इस लूप को देखेंगे तो इस लूप का ना तो एरिया बदल रहा है, एरिया कांस्टेंट है इसका, लूप की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रही क्योंकि लूप को ना हम आगे पीछे तो ले जाने, वायर से इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस पर रखा है हमने इसको, तो लूप का ना तो फील्ड बदल रहा है ना एरिया बदल रहा है ना थीटा बदल रहा है, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा इसका, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो जो इंड्यूस डीएमएफ आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। एक तो बात ये हो गई सोचने की, दूसरी बात क्या है, दूसरा तरीका सोचने का क्या है, दूसरा ये है कि भाई देखो हम जब ऐसे ले जाएंगे तो इस वाले वायर में और इस वाले वायर में तो इसमें पैदा ही नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी और लंबाई पैरेलल हो गई, इसमें और इसमें पैदा होगा, इसमें जो इंड्यूस डीएमएफ होगा वी क्रॉस बी के हिसाब से, मैं देखूं बी इधर है बी इधर है तो इसमें जो इंड्यूस डीएमएफ होगा वो सपोज करिए ई के बराबर होगा, उतना ही इंड्यूस डीएमएफ इसमें भी होगा सपोज करिए ई के बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए टोटल इंड्यूस डीएमएफ निकालना है तो जैसे इस वाले में ई के बराबर होगा इस वाले में भी ई के बराबर होगा, लेकिन अगर मुझे टोटल इस लूप का निकालना है तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो ई बढ़ेगा फिर कुछ नहीं होगा फिर ई घट जाएगा फिर वहां पहुंचूंगा तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरह से इसको लेके जा रहा हूं तो जो इंड्यूस डीएमएफ होगा वो जीरो के बराबर जाएगा, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है,
अब दूसरा इसके अंदर समझिए, इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, थोड़ा मैं और स्पेस ले लेता हूं। एक ये सवाल बन रहा है, करंट आई जा रहा है और ये डिस्टेंस डी के बराबर है, ये डिस्टेंस एल के बराबर है, ये भी एल है, ये भी एल है, और हम इसको वी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट शोन। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट शोन, ये जो इंस्टेंट दिखा रखा है उसके अंदर लूप में कितना ईएमएफ पैदा होगा। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट शोन, ठीक है, जो भी इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पे लूप में कितना ईएमएफ पैदा होगा। तो आप तो ऐसा करें कि दो मिनट का समय ले, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें, नहीं हो रहा है तो फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखें। देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूं, इस लूप के अंदर जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, पहली बात तो देखिए इस वाले, जैसे अगर मैं नाम रखूं इसका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो क्यू आर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि देखो बीएलवी में तीन में से कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। तो अगर हम इधर ले जा रहे हैं तो इधर भी वेलोसिटी है, लंबाई भी इधर ही है, वेलोसिटी और लंबाई दोनों इधर ही है, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है। और इधर ले जा रहे हैं तो भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा और इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। ये जो है इसके अंदर भी होगा और इसमें भी ईएमएफ पैदा होगा। मैं मानता हूं कि इसके अंदर ईएमएफ जो पैदा हो रहा है वो ई1 हो रहा है और इस वाली रॉड के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो ई2 हो रहा है। इसके अंदर जो ईएमएफ हुआ वो ई1 पैदा हुआ, इसमें ई2 पैदा हुआ। तो अब मैं ई1 ई2 की वैल्यू निकालूंगा, ई1 की वैल्यू आएगी बी1 इंटू एल इंटू वी, और B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर के कारण होगा, तो इस वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πD, यहां से यहां तक की दूरी डी के बराबर है, इंटू एल इंटू बी, ये E1 आ जाएगा और E2 जो आएगा वो आ जाएगा B2 एल इंटू बी, B2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πD प्लस एल, क्योंकि मुझे इसके कारण यहां फील्ड चाहिए, तो यहां से इसकी दूरी d प्लस एल हो गई, तो b2 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πD प्लस एल इंटू एल इंटू बी, यह जाएगा। अब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, e1 प्लस e2 होगा या e1 माइनस e2 होगा, तो ज्यादातर बच्चे इसको e1 प्लस e2 कर देते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से चलेंगे यहां से यहां तक जाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, e1 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक कुछ नहीं होगा, फिर यहां से यहां तक घट जाएगा, E1 बढ़ गया फिर कुछ नहीं हुआ, फिर E2 घट गया, तो कुल मिला के जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो बेसिकली E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो अगर मैं E1 माइनस E2 लिखूं तो देखो कितना आ जाएगा, नेट जो ईएमएफ आएगा वो E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि आप सेंस देखो ना, यहां से यहां तक गए तो E1 बढ़ा, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर यहां से यहां तक E2 घट गया, फिर कुछ नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2π 1/d -1/t प्लस एल, चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो और हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगी, वो डी से डी कट जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख ही देता हूं मैं, चलो। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2π
इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, डी प्लस एल माइनस डी जो है वो एल ही बचेगा, तो एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। इस तरह से हम इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं।